गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। इन टूडेज डिस्कशन वी विल बी कंसंट्रेटिंग इन एसी जनरेटर। इन योर जनरल लाइफ यू मस्ट हैव सीन द जनरेटर्स वर्किंग। एसी जनरेटर्स आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, है ना? तो दिस इज द सेम थिंग। फाइन, तो इन दिस लेक्चर वी विल बी टेकिंग द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द एसी जनरेटर। फाइन, लेट अस सी। इफ आई टॉक इन अ वेरी सिंपल मैनर, देन आई बी सेइंग दिस थिंग के एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉज। दैट इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉज। एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन फैराडेज laws, which state that induced EMF is equal to rate of change of flux associated with the circuit with respect to time, and the direction of induced EMF is always to oppose the change in flux. Due to that reason, वो negative sign यहाँ पे आ जाता है। आपको सभी को पता है ना? Now, टू मेक अ एसी जनरेटर, ठीक है ना, हाउ वी यू नो अप्लाई दिस चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू क्रिएट द असेंबली, है ना, उसकी बात करेंगे। ठीक, देखो, इन अ वेरी सिंपल मैनर बेसिकली वी हैव द यू नो मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड वी नीड टू हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। वी हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। दिस इज यू नो टॉप व्यू आई एम शोइंग यू, ओके, दिस इज टॉप व्यू, क्लियर? तो नॉर्थ एंड साउथ क्या कर रहे हैं? नॉर्थ एंड साउथ दे विल बी यू नो प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से, यहां से ये होगा नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड विल बी एग्जिस्टिंग, uniform magnetic field will be existing. It's okay? Now, in this empty space, जहां पे north और south के बीच में जो empty space है, okay, a rectangular coil having n number of turns is placed. Rectangular coil, इसको कह देते हैं कॉयल पी क्यू आर एस, तो साउथ पोल हो गया, टी यू, ये लो, पी क्यू आर यू इज द रेक्टेंगुलर कॉयल। ठीक है, दिस रेक्टेंगुलर कॉयल इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ए, ये बना, इट्स ओके, लेट द एक्सिस इज एक्स एक्स प्राइम। ठीक है, तो व्हेन दिस कॉइल इज रोटेटेड, जब इस कॉइल को रोटेट किया जाता है, ठीक, कैसे रोटेट करना है? फाइन, यू सी दिस बॉक्स, ओके, सो वी आर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। नाउ दिस इज अ कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, दिस इज रोटेटेड लाइक दिस, इस तरह से इसको रोटेट किया गया, इस तरह से, लाइक दिस, इट इज रोटेटेड, इट्स ओके, like this, this is rotated, okay, what will be happening, how the things will be going, how the change in flux will be taking place, and how that change in flux will be producing, will be inducing an EMF in the coil, okay, let us analyze all those things. तो ये जो हमारा view है, कैसे है ये? North here, south here, fine, floor के ऊपर है ये, फाइन, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, नॉर्थ प्लेस लाइक दिस, साउथ प्लेस, उसके बीच में ये कॉइल है, और हम यहां से टॉप से देख रहे हैं, ठीक, दिस इज द व्यू लाइक दिस। तो अगर हम इसको फ्रंट से देखें, सामने से, बिल्कुल सामने, यहां से, यहां पे अपना आई लाइन लाके, यहां पे, फिर इसको सामने से ऐसे देखें, ओके, तो ये कैसा नजर आएगा, लेट अस सी। नॉर्थ साउथ, सामने से देखा इसको, सामने से देखेंगे तो यहां पे ये नॉर्थ, इधर से देखने पे साउथ, नॉर्थ साउथ। अब इस कॉइल को जब आप सामने से देखोगे तो इट विल बी जस्ट लुकिंग लाइक अ लाइन, है ना, इट विल बी जस्ट लुकिंग लाइक अ लाइन, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा। होप
your understanding. So this particular thing is your front view. It's okay? This is front view of the system. Clear? Now, what we have in the system, north and south magnetic poles producing magnetic field, then PQRU is the rectangular coil having n number of turns. Now, to have better effect of the magnetic field, okay, in poles ke karan, yahan pe better magnetic effect produce karne ke liye, what we do basically is coil ke axis ke along soft iron ka core rakhte hain. A soft iron core is placed. It's okay. Fine. Soft iron core is placed. Theek. Now, what is done? This coil is rotated with angular velocity omega around this axis. Ye jo axis hai na, xx prime, is axis ke around is tarah se is coil ko rotate kiya gaya with angular velocity omega. It's okay? Theek hai. Now, see, how much flux is associated at any time and how that flux is changing and how that change in flux is leading to induction in EM, induction of EMF in the coil, induction of AC in the coil. Okay, let us see. Now, as this coil will be rotated, dhyan dein, is diagram pe aajao, front view pe. Iska jo area vector hai, kis direction mein hai? The area vector is always normal. So that will be something like this. Yahan pe iska area vector hoga. This is area vector. Magnetic field. Magnetic field vector is this way. Ye aapka magnetic field vector ho gaya. Okay? Now, this is angle between area vector and magnetic field vector at any time. Okay? Fine. Suppose this is rotating like this. Is tarah se rotate kar raha hai. Horizontal position pe tha ye zero time pe. Aur t time pe iska position yahan pe aa gaya ye. Theek hai? Okay, from this position it started and yahan se isne itna travel kiya. To jab ye is position mein tha, perpendicular to magnetic field wale mein, to my area vector was along the magnetic field and t time pe yahan pe pahunch gaya ye, to area vector is making an angle theta with the horizontal. It's okay? Now, theta will be equal to how much? Jaldi think of. Theta will be equal to omega into t. It's okay? Omega into T. Fine? Now, flux associated with this coil at time T, as it is having n number of turns. That will be equal to, dekho, flux associated, total flux associated will be B, magnetic field, dot, A, area vector. This is flux associated with one turn. As this coil is having n number of turns. Okay, so total flux associated will be number of turns multiplied. And this will be the total flux associated at any time. When, you know, this particular term will be resolved, we will be having n and then B, A. Angle between B and A is theta. And theta is equal to omega T. Cos of theta. Okay, and total flux we are getting as NBA cos of omega T. This is total flux associated with rectangular coil at time T. Okay, as the time is progressing, the coil is rotating, the time is progressing, the flux is changing. I mean, this particular equation is providing me the total flux associated, okay, fine, with respect to time, or at any time, okay. And this is providing me the relation, ki how the time and flux both are related to each other. As the time is changing, how the flux is changing. It's okay. Now, flux associated with this particular coil is changing with time. So time varying flux is associated with the coil. So kya karega? Induced EMF will appear across the ends of the coil. Now, induced EMF.
to get that induced EMF differentiating this particular thing. Okay, now it's okay. Now d phi by dt, so kitna bana d by dt of phi n b a cos of omega t. It's okay. तो एन बी ए इज अ कॉन्स्टेंट, कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन बनेगा दैट विल बी एन बी ए कॉन्स्टेंट, कॉस ओमेगा टी का बनेगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, और साथ में ओमेगा, माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, तो यहां पे ये डी फाई बाई डी टी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ई इन अकॉर्डेंस टू फैराडे लॉस. तो दिस इज इक्वल टू माइनस एन b a then omega and sine of omega t, negative negative gone, and induced emf is equal to n b a omega sine of omega t. This particular thing, this particular equation is providing me induced, the magnitude of induced emf across the ends of the coil at any time. It's okay, fine. Now if you concentrate in this particular equation, this is having basically two parts. Okay, one is this n b a omega, these all are constant terms. Okay, and this is the variation term sine of omega t. So you know this n b a omega, n b a omega, this product defines the peak value of emf e naught, and finally we are getting E is equal to E naught sine of omega t. Mean the induced EMF, the induced EMF is a sinusoidal wave, is a sine wave with peak value E naught. Peak value E naught. The induced EMF is a sine wave. And AC, what is AC? Mean the wave is this type. Wave is of this type with peak value E naught. The wave is a sine wave. It's fine. Okay. And this is with peak value E naught. It's okay. So this is a AC signal alternately toggling between positive and negative values. Hai na? So this basically is the AC produced. Okay. AC signal. As produced by the equipment. Okay. जिसका बेसिक डिजाइन हमने अभी कंसंट्रेट किया. इट्स ओके, ठीक, यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बेसिक आइडिया. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंसंट्रेटिंग इन यू नो दिस एसी जनरेटर इन अ स्पेसिफिक मैनर, व्हेन वी विल बी टेकिंग यू नो बेसिक प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड ऑल द थिंग्स सेपरेटली. फाइन, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया. तो हेंस वी हैव गॉट a AC generator. If you find any confusion in relation, let me know about. Okay, मुझे बता देना है. तो then we will be taking that particular thing in next lecture. Okay, thank you. Have a nice day.